कटिहार जिले के फलका प्रखंड क्षेत्र के 13 पंचायतों में चौथे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के नामांकन के चौथे दिन गुरुवार को विभिन्न पदों से कुल 275 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन को लेकर प्रखंड मुख्यालय में काफी भीड़ बनी रही तथा मुखिया, सरपंच, समिति सदस्य पद के सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन कराने पहुंचे। गोविंदपुर पंचायत के पंचायत समिति के पद से नॉमिनेशन कराने आए प्रत्याशी के पति अमित कुमार चौधरी ने बताया कि गोविंदपुर पंचायत में अनगिनत कमी है, जैसे पशु हॉस्पिटल, बिजली, नल जल, सड़क इत्यादि। उन्होंने कहा कि अगर हमारी जीत होती है तो पहली प्राथमिकता गोविंदपुर पंचायत में जो भी काम बचा हुआ है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना होगा और सरकार की जो भी योजना है उसे जनता के बीच लाने का प्रयास करूंगा। इतना सुनते ही समर्थकों ने तालियों की गड़गड़ाहट और फूलमाला पहनाकर उनका हौसला अफजाई किया और अबीर गुलाल उड़ाया। नामांकन के चौथे दिन विभिन्न पदों के नामांकन हेतु अलग अलग काउंटर बनाए गए थे और सभी काउंटर पर भीड़ की स्थिति बनी हुई थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी मधु कुमारी ने बताया कि नामांकन के तीसरे दिन सभी पंचायतों से मुखिया पद के लिए 18, सरपंच पद के लिए 11, पंचायत समिति सदस्य के लिए 12, वार्ड सदस्य के लिए 115, पंच के लिए 119, कुल 275 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन कार्यक्रम की मॉनिटरिंग प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी, राजस्व अधिकारी सह नोडल पदाधिकारी आरिफ हुसैन, पंचायत प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अवधेश कुमार सिंह आदि मॉनिटरिंग कर रहे थे। नामांकन कार्यक्रम के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में दंडाधिकारी समेत फलका पुलिस चौकस दिखी। पद के लिए नॉमिनेशन किया, क्या उद्देश्य इनके पीछे, आपको मुखिया बनके क्या करेंगे समाज के लिए, किस टाइप का विकास? विकास तो समुचित विकास अभी तक क्षेत्र में हो पाया है क्या? अभी होगा। अपना परिचय दे, मुखिया प्रत्याशी। बहुत बहुत शुक्रिया। पद के लिए नॉमिनेशन करवाना है क्या? पंचायत समिति के लिए। किस पंचायत से? गोविंदपुर पंचायत से। क्या उल्लेख जानना चाहेंगे आप अपने पंचायत के लिए? अपने उल्लेख में हम यही कहेंगे कि हमारे यहाँ जो कृषि सिंचाई व्यवस्था है उसका समाधान अच्छे ढंग से होना चाहिए। पशुपालन विभाग में अच्छे ढंग से पशुपालन विभाग नहीं काम हो रहा है, उसके लिए हम लोग जो है तत्पर हैं, कृषि के लिए तत्पर हैं, सिंचाई के लिए तत्पर हैं। नल जल योजना भी स्थायी ढंग से नहीं चल पा रहा है, उसके लिए भी हम लोग तत्पर हैं। यानी आपकी जीत होगी तो आप ये सारा काम? जी जी जी। आप अपना परिचय दें। अमित कुमार चौधरी, हल्का। के लिए नॉमिनेशन आपने किए? चौथा उत्तरी पंचायत से मुखिया पद के नॉमिनेशन किए। और आप नॉमिनेशन का क्या उद्देश्य है इनके बारे में बताएं? मेरा नॉमिनेशन का उद्देश्य यही है कि मुझे सब जनता चाहते हैं कि मैं फिर से यदि मुखिया बनाएंगे तो फिर से बनूंगी। सब जो काम बचे हुए हैं पूरा काम बचा पूरा करूंगी। जनता से क्या अपील करेंगे आप? पूरा सब देखेंगे, काम किए हैं करूंगी फिर से। सब जनता खुश है जी, मेरे साथ में सब जनता। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीतू सिंह, पति मृत्युंजय कुमार। किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए। किस पंचायत से? चौथा उत्तरी पंचायत। बहुत बहुत शुक्रिया। किस पद के लिए नॉमिनेशन करवाना है? पंचायत से। किस पंचायत से? गोविंदपुर। क्या आपका उद्देश्य है? शिक्षा का व्यवस्था, क्षेत्र का विकास। क्या आपके पंचायत में ऐसा कोई विकास हुआ है पहले से? पहले से तो आपकी जीत होने के बाद क्या विकास करेंगे? हाँ। आप अपना परिचय देंगे? सिंकी कुमारी, घर फलका। सिंकी कुमारी। पति अमित चौधरी। पंचायत? गोविंदपुर पंचायत। नॉमिनेशन आपने किया? मेरा नाम दिलीप कुमार मंडल हुआ। आज मैं पोठिया पंचायत से मुखिया पद के लिए निर्वाचन के हैं, नामांकन किए। क्या उद्देश्य है इनके पीछे, क्या क्या करने की मंशा है?
इसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि हमारा पोठिया पंचायत जो है विकास के नाम पर बंदरवाट है, लूट है, और धरातल पे विकास की कोई भी छवि नहीं है, और उसके नाम पर लूट जो किया, उस लूट को समाप्त करने के लिए हम ये निर्णय लिया है। हम युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ ये निर्णय है हमारा, और पूरे पोठिया पंचायत के सभी ग्रामीण वासी का ये निर्णय है। जनता से क्या अपील करेंगे आप मेरे माध्यम से? मैं जनता से यही अपील करता हूँ, एक सही जो मुखिया प्रत्याशी है आप उसको वोट करें और अपने पंचायत को खुशहाली और विकास की ओर ले जाएं। अपना परिचय? मेरा परिचय, मेरा नाम दिलीप कुमार मंडल हुआ। किस पद के लिए, किस पंचायत से? पोठिया पंचायत से मुखिया पद के लिए हमने आज नामांकन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। पंचायत सोता दक्षिणी हल्का प्रखंड मुखिया प्रत्याशी। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य कि हमारे पंचायत में अभी तक जो भी काम अधूरा रहा है या जो पूर्ण रूप से हुआ ही नहीं है उसको करवाना है, करना है, और अपने पंचायत को कटिहार जिला में एक नंबर बनाने का उद्देश्य है। अजीत कुमार यादव, ग्राम पोस्ट फलका, थाना फलका, जिला कटिहार। क्या उद्देश्य है, मुखिया बन के क्या करेंगे आप? मुखिया बन के मेरे को बहुत काम करना है। सब लोग जो है स्मार्ट शहर बनाते हैं, मैं एक स्मार्ट गांव बनाना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग सब स्मार्ट रहे, सब कंधे से कंधे मिला के चले, आगे बढ़े। गांव में विकास जो है, विकास की गति कैसी? गांव में विकास की गति अभी ठीक ठाक तो नहीं है उतनी, मान के चले कि हुई ही नहीं है, और मैं बनूंगी तो मैं बहुत ज़्यादा विकास करूंगी। जनता देखेंगे कि मैंने मुखिया बन के क्या किया। कदम से कदम मिला के विकास की रफ्तार को बढ़ाएंगे। अपना परिचय? मेरा नाम अनिता गुप्ता, मेरे फादर-इन-लॉ का नाम गौरीशंकर गुप्ता, और मुखिया पद के लिए मैंने नामांकन लिए आए हुए हैं। किस पद के लिए, किस पंचायत से किए हैं और इसका उद्देश्य क्या है? मेरी वाइफ नॉमिनेशन की है सोता दक्षिण पंचायत से मुखिया पद के लिए। उद्देश्य है कि जो भी अपना गांव अभी पिछड़ रहा है, क्योंकि व्यवस्था बहुत है, पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज है और मोदी जी के आने से बहुत स्ट्रांग हुआ है, बट वो अभी तक धरातल पर दिख नहीं रहा है। तो हम लोग का उद्देश्य है कि जमीन तक सब जो भी विकास है वो पहुँचे, हर गरीबों तक पहुँचे बिना किसी भेदभाव। अपना परिचय? अमित कुमार गुप्ता, सोता दक्षिण पंचायत। नॉमिनेशन का उद्देश्य क्या है और पिछले 5 साल का आपका विकास क्या है? जी जी, समाज सेवा ही हमारा लक्ष्य है और उसी उद्देश्य से मैंने सन 2016 में पहली बार अपना नाम निर्देशित किया था और लोगों ने मुझे निर्वाचित भी किया। हमारी जो 5 साल की उपलब्धि है, फिलहाल मोटे तौर पर मैं इतना कहूँगा, हमारे उस वार्ड की जनता भली भांति उसको जानती है, देख चुकी है। सन 2020 में कोरोना काल जो आया उसमें मैंने सामर्थ्य के अनुरूप लोगों की सेवा की, वो लोगों के जेहन में है। और जहाँ तक पंचायत स्तर पर, आप सबको पता ही है ग्राम पंचायत राज मोरसंडा के हम निवर्तमान मुखिया हैं, तो उपमुखिया के नाते मैंने पूरे पंचायत में अपनी सेवा दी है और भरसक प्रयास किया है कि किसी के अंदर मेरे प्रति नाराजगी ना हो। जो सरकारी योजनाएं हैं उसको मैंने पूर्णतः धरातल पर उतारा भी है। आज जो आप नामांकन किए, किस पद के लिए किए? वार्ड सदस्य के लिए, ग्राम पंचायत राज मोरसंडा, वार्ड संख्या 8। आपके द्वारा 5 साल में क्या? उनमें मैंने पिछले सत्र में, आप रिकॉर्ड देख लें उठाकर, 90 परिवार को मैंने शौचालय की राशि उपलब्ध कराई है मेहनत करके। 23 आवंटन हुआ है हमारे ही सत्र में, 35 लोगों का आवंटन अभी निर्धारित हुआ है, जो सिर्फ हमारा ये अंतिम चुनाव होगा वार्ड का, क्योंकि अगला मुझे पूर्ण विश्वास है परिणाम भी आएगा, सुखद परिणाम आएगा। निवर्तमान उपमुखिया ग्राम पंचायत राज मोरसंडा सह प्रदेश अध्यक्ष वार्ड सदस्य महासंघ बिहार। किस पद के लिए जो है नॉमिनेशन आपने दिया? मेरी वाइफ से, मघेली पंचायत से,
किस पद के? मुखिया पद के। क्या उद्देश्य है इनके पीछे? क्या विकास किए हैं? विकास करेंगे। पिछले 5 सालों में किस हद तक विकास पंचायत का हो सका? यानी हद तक दरमियान तक पूरा करने का काम। अगर जनता अभी अगर आपको मौका देती है तो फिर किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस होगा? पहले तो रोड, बिजली, पानी, सड़क। शिक्षित पंचायत आपका? जी हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में क्या जागृति लाने की काम आपने किया? जी हाँ। अपना पूरा परिचय? मोहम्मद मुश्ताक आलम, ग्राम बड़ी चाहता थाना फलका जिला कटिहार के लिए आए हुए। पिछले 5 साल आपका किस तरह का रहा, क्या काम आपने किया, इसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताएं। पहले तो मैं चौथा उत्तरी के तमाम जनता को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जी। आपका पूरे 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और जनता के बीच में आप किस मुद्दे पे जा रहे हैं? जी, जनता के बीच में मैं वो मुद्दा लेके जा रहा हूँ। मैं 5 वर्ष के अंदर में मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते मैं सर्वांगीण विकास सभी पंचायत, मेरे सोथा उत्तरी पंचायत के 14 वार्ड में मैं एक मत होकर के पूरा काम किया हूँ। और जितना भी सरकार के द्वारा मुझे आवंटन मिला, मैं 14 वार्ड में पूरी भागीदारी के साथ में वो बराबर हिस्से का मैं बंटवारा करके काम किया हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता मुझे दोबारा लाएगी और जो बचा हुआ काम है मैं उसे आने वाले 5 वर्षों में पूरा करूंगा। मैं एक बात जनता को मैं कहना चाहता हूं, पंचायत की जनता को, मैंने जो अपनी ईमानदारी का पूरा परिचय दिया हूं, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, आप किसी भी जनता से, प्रखंड के किसी जनता से पूछ सकते हैं। मुखिया प्रतिनिधि मृत्युंजय कुमार सुमन क्या किए हैं पंचायत के लिए? मैं किसी गरीब से किसी भी कल्याणकारी योजना में 1 रुपया लेने का काम नहीं किया हूं। और मैं गरीबों के बीच में किसी भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, चाहे उनका बीमारी से समस्या हो, चाहे उनकी मौत मृत्यु आकस्मिक होती हो, मैं सभी में उनको मैं आर्थिक मदद अपने किया हूँ। कदम से कदम मिला के मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं आगे जनता से अपील करता हूँ, वो मुझे फिर 5 वर्ष के लिए चुने। जो बचा कुचा काम है मैं सभी पूरा करूँगा ईमानदारी पूर्वक। अपना परिचय? मेरा परिचय मृत्युंजय कुमार उर्फ सुमन, मुखिया, पूर्व मुखिया सोथा उत्तरी, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि सोथा उत्तरी, मेरी पत्नी नीतू सिंह जो निर्तमान मुखिया अभी है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।